दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टायर्स के बारे में। टायर्स क्या होते हैं, टायर्स का बेसिक फंक्शन क्या होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स टायर्स की होनी चाहिए, तो इन सब के बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं व्हीकल के अंदर टायर क्या होते हैं। टायर जो है ये व्हीकल की मेन लेग्स होती है, मेन उसके पैर होते हैं। इट मीन्स कोई भी ऑटोमोबाइल हमारा व्हीकल है या कोई अदर टाइप ऑफ व्हीकल है, उस व्हीकल का जो लास्ट पार्ट है नीचे बॉटम फेज की तरफ, तो वो हमारे टायर्स होते हैं। ये व्हीकल के वो कंपोनेंट होते हैं, वो पार्ट्स होते हैं जो रोड के सरफेस के साथ में डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहते हैं। जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हैं, आप सभी ने इनको देखा है, व्हीकल्स के अंदर आपने फिट होते देखा है। इवन दो जो ऑटोमोबाइल के व्हीकल नहीं है उनमें भी आपने देखा है, जैसे ऊंट गाड़ी, जैसे बैलगाड़ी, इस तरह के व्हीकल्स में भी आपने इसको देखा है, जो कि ऑटोमेटिक नहीं है, ऑटोमोबाइल नहीं है, जिनमें कोई बैटरी ऑपरेटेड नहीं है, डायरेक्टली एक जानवर उसको व्हीकल को रन करता है, तो उसमें भी ये उनको हेल्प करते हैं। तो इट मींस ये व्हीकल के लास्ट पार्ट होते हैं और वो पार्ट होते हैं जो डायरेक्टली रोड के सरफेस पे कॉन्टेक्ट में रहते हैं। ये जो होते हैं टायर्स, इनको व्हील की रिम पे माउंट किया जाता है। जो हमारा व्हील होता है, जैसे कोई व्हील है, व्हील का सेंटर हब है और उसकी ताड़ियां हैं, स्पोक्स हैं, और जो ऊपर का पार्ट है, ऊपर का टॉप हिस्सा, यदि हम बाइक के कंपैरिजन में बात करें तो टॉप जो हिस्सा है वो हमारा रिम है। तो रिम के ऊपर इनकी माउंटिंग होती है ताकि प्रॉपरली ग्रिप हो सके। ये जो है ये अपने अंदर एयर को कैरी करते हैं, तो वो दो तरह के होते हैं, जैसे ट्यूब्ड टायर और ट्यूबलेस टायर। जो ट्यूब्ड टायर है उसमें एक सेपरेट रिक्वायरमेंट होती है ट्यूब की, जो ट्यूबलेस होते हैं उसमें ट्यूब की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो अपने इनसाइड ये एयर को कैरी करते हैं और वहां पे फिर ये रन करते हैं व्हीकल के साथ में, रोड के सरफेस पे कॉन्टेक्ट होते हुए। अब समझते हैं इसके वेरियस फंक्शंस के बारे में। जो टायर है वो मेनली क्या क्या काम आता है, क्या क्या काम करते हैं, उनके बारे में समझते हैं। व्हीकल को इजिली टर्निंग करने में हेल्प करते हैं, फ्लेक्सिबल टाइप होते हैं। व्हीकल को हमें टर्न करना है, जैसे कोई मोड़ है तो वहां से हमें टर्निंग करनी है तो आसानी से इसको टर्न कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टायर्स। इसी प्रकार व्हीकल का जो कंप्लीट लोड है उसको ये कैरी करते हैं। जैसे हमारा कोई व्हीकल है, पैसेंजर वाला व्हीकल है, तो पैसेंजर्स का भी और जो व्हीकल की बॉडी है उसका सारा जो वेट होता है वो एक्सल्स पे गिरता है, व्हीकल की फ्रेम पे गिरता है, और जो फ्रेम है इट मीन चेसिस सिस्टम जो होता है, उसके बाद जो पूरा लोड आता है वो व्हील्स पे आता है, रिम के ऊपर आता है, और उसके बाद वो टायर्स पे आता है, क्योंकि टायर जो है वो लास्ट कंपोनेंट्स है, तो कंप्लीट व्हीकल का जो लोड है वो टायर्स ही कैरी करते हैं। ये रेनी सीजन्स में बहुत हेल्प करता है, इट मींस वहां पे हमें एक नॉन स्किडिंग टाइप अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, स्किड नहीं होता व्हीकल, चाहे वो कैसा भी रेनी सीजन है या कोई स्लिपरी कंडीशंस हैं, तो टायर्स हेल्प करते हैं। अलग अलग टाइप टायर जो होते हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जिसमें क्रॉस प्लाई टाइप है या कोई दूसरे टाइप है, रेडियल टाइप है, तो अलग अलग टाइप के टायर होते हैं। ये जो है व्हीकल को सेफ्टी जो प्रिकॉशंस है वो प्रोवाइड करते हैं, पूरे व्हीकल को सेफर कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसा हमने पहले बात की थी, फ्लेक्सिबल टाइप होते हैं, तो व्हीकल किसी ब्रेकर के ऊपर से जाता है या कोई वहां पे गड्ढा आता है तो उसमें से जब ये पास होता है तो यही व्हीकल को सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट इसका कार्य है, फंक्शन है टायर का, हेल्प इन स्टॉपिंग। व्हीकल को जब हम स्टॉप करते हैं तो लास्ट जो कंपोनेंट है वो यही है रोड के सरफेस पे, तो सबसे पहले व्हील्स को स्टॉप होना होता है, तो उसमें ये हेल्प करते हैं टायर्स क्विक टाइम में स्टॉपिंग करने में, व्हीकल मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस पे स्टॉप हो सके, तो उसमें ये हेल्प करते हैं। तो ये इसके वेरियस फंक्शंस होते हैं, कार्य होते हैं टायर्स के। अब बात करते हैं बेसिक रिक्वायरमेंट टायर्स की, क्या होनी चाहिए, क्या किस प्रकार की जरूरत के हिसाब से टायर्स को बनाया जाए और किस प्रकार का फिर वो वर्क करें। तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट टायर की, इक्वल वियर। टायर जो है
वो सभी जगह से बराबर वियर होना चाहिए। ऐसा ना हो कहीं से टायर बहुत ज्यादा घिस जाए और दूसरी तरफ से कम घिसे, इस प्रकार की कोई कंडीशन ना हो। इस प्रकार की कंडीशन होंगी तो व्हीकल में भी अनइवननेस होगी, टायर फटने के चांसेस रहेंगे। इसलिए व्हीकल जब जब भी रन करे और उसमें जो टायर्स लगाए जाएं तो वो टायर्स हमेशा इक्वल वियर हो, बराबर हर जगह से वो घिसे, जो रोड के सरफेस के जितना हिस्सा कॉन्टेक्ट में है तो वो इक्वली घिसे। दूसरी इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए लेस नॉइजी। जब ये व्हीकल रन करे तो टायर्स रोड के सरफेस के कॉन्टेक्ट में आए तो ऐसा ना हो बहुत ज्यादा साउंड करे, क्योंकि उस पर रन करते हैं रोड के कॉन्टेक्ट में रहते हैं, तो ऐसा ना हो व्हीकल बहुत ज्यादा साउंड करे। तो टायर्स हमेशा इस प्रकार के बनाए जाने चाहिए कि वो बहुत ही कम नॉइज करें, बहुत कम नॉइजी कंडीशन करें, नॉइज लेस हो एक प्रकार से, इट मींस मिनिमम से मिनिमम वहां से साउंड आए। नॉन स्कीडिंग टाइप होने चाहिए, जैसा हमने पीछे बात की थी फंक्शंस में कि कहीं पे भी ऐसा ना हो व्हीकल ही स्लिप हो जाए, इस प्रकार के टायर ना हो, या कहीं स्लिपरी कंडीशन है वहां पे भी सेफ्टी प्रोवाइड करने की कोशिश करें टायर्स, या फिर कोई बारिश का सीजन है, रेनी कंडीशंस है तो वहां पे पानी है रोड पे, तो उस कंडीशन में भी ये स्लिपरी कंडीशन से बचाए। नेक्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट होती है या होनी चाहिए इकोनॉमिकल, टायर हमेशा सस्ते हो। जैसे कोई चीज खरीदते हैं तो हम यही कंडीशन देखते हैं, सस्ती और टिकाऊ, तो उसी प्रकार से टायर भी हमारे व्हीकल के ऐसे होने चाहिए जो सस्ते हो और टिकाऊ हो। टिकाऊ के बारे में लास्ट में बात करेंगे। नेक्स्ट इसकी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए बैलेंस्ड, टायर जो है वो स्टेटिकली और डायनामिकली बिल्कुल बैलेंस्ड होने चाहिए, व्हील बैलेंसिंग किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले ना हो। ऐसा ना हो व्हील्स की बैलेंस ही बिगड़ जाए टायर को माउंट करने के दौरान। इसलिए मोस्टली केसेस में टायर जब रिम पे माउंट किया जाता है तो रिम के अंदर 5 डिग्री का वहां पे एक टेपर रखा जाता है ताकि आसानी से उस पे माउंट हो सके और प्रॉपरली बैलेंस्ड रहे। तो व्हील के ऊपर टायर जब माउंट करे तो हमेशा ये बैलेंसिंग प्रोवाइड करे व्हीकल को, कंप्लीटली स्टेटिकली और डायनामिकली बैलेंस प्रोवाइडेड टाइप टायर्स होने चाहिए। लास्ट इसकी रिक्वायरमेंट है ड्यूरेबल, ड्यूरेबल मींस जैसा यहां पे हमने समझा था सस्ते और टिकाऊ, तो ड्यूरेबल का मतलब है लंबे समय तक चलने वाले, तो टायर्स जो है उनकी लाइफ लॉन्ग हो। ऐसा ना हो हम लेकर के आए और 2 या 3 दिन के बाद वो घिस जाए, तो टायर्स जब लगाए हम तो वो लॉन्ग टर्म के लिए लगाते हैं, जैसे कोई लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो टायर हमेशा ड्यूरेबल हो, लंबे चलाऊ हो, लॉन्ग लाइफ भी हो। तो ये थे दोस्तों टायर्स क्या है, टायर्स के बेसिक फंक्शन क्या होते हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए टायर्स के लिए। थैंक यू दोस्तों।